नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ सिंगापुर के करोल बाग में, एक ऐसी मार्केट जहाँ जाने से पहले हम मेट्रो का ट्रेवल भी करेंगे। तो आप भी चलिए मेरे साथ और देखिए यहाँ के नज़ारे। देखो दोनों एक बार। मशहूर और बिजी मार्केट है, लेकिन ऐसी मार्केट हर शहर में एक होती है। तो आज हम जा रहे हैं सिंगापुर के करोल बाग में। इस एरिया का नाम बुगीज है, आप पीछे बोर्ड पर भी देख सकते हो। ये सामने जो है यहाँ का बहुत फेमस हॉस्पिटल है, और जिस नाम से ये हॉस्पिटल है, इन्होंने सिंगापुर में बहुत अच्छी अच्छी जगह और भी बनाई हुई हैं। तो थोड़ा सा उस जगह पहुँचने से पहले आसपास की बिल्डिंग्स आप देखो, ये वैसे यहाँ का कमर्शियल एरिया है, सारे ऑफिस हैं यहाँ पर और कुछ होटल्स भी हैं। तो चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सामने आपको दिखाती जाती हूँ कि क्या क्या यहाँ की फेमस पॉपुलर चीज़ें आएंगी, और साथ में भैरवी हमें पूरा गाइड करती रहती है कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि उसे वहाँ की सारी नॉलेज है कि कैसे किस तरह से कहाँ पहुँचना होता है। आपकी बीच वेयर, डिफरेंट टाइप का होम डेकोर, कपड़े वपड़े वो सब आता है। हाँ सामने ना, यस तुमने कहा पता नहीं क्या। अली लेन है वो अरब स्ट्रीट है, तो आई एम श्योर यहाँ पे वो लोग आते होंगे। हाजी लेन अरब स्ट्रीट और वैसे रेस्टोरेंट होंगे। अच्छा ये थे वो लेन जो मैं आपको दिखाना भूल गई, यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ओह सिंगापुर भी अभी बन रहा है, डेवलपिंग कंट्री, अभी पूरा नहीं बना सिंगापुर। अब हम यहाँ से क्रॉस करेंगे, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ, ग्रीन लाइट है पैदल चलने वालों के लिए, तब तक आराम से सड़क क्रॉस कर सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। अब हम यहाँ से जाएंगे वहाँ, जिसके लिए ये प्रेस कर दिया गया है, ये इसके ऊपर पूरा लिखा है कि जैसे जैसे यूज़ करना है तो इसको प्रेस करना है। अब हम जाएंगे यहाँ, तब तक आप यहाँ के नज़ारे देखो। अभी हम सिंगापुर के करोल बाग में, या कह लो कि एक भीड़ भरे बाज़ार में, जो कि हेवन है शॉपिंग का, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बीच में ये हाजी लेन आ गई है, तो मुझे लगा कि चलो ये भी मैं आपको थोड़ा सा अंदर से दिखा दूँ कि कैसी है, आप देखते रहो। और अभी पहुँचते हैं हम करोल बाग के लिए और करते हैं वहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग। मैं साथ साथ आपको ये मार्केट भी दिखा देती हूँ। वैसे पहुँच गए हैं हम यहाँ पर, वैसे हम एक डॉग कैफ़े में आए थे,
टाइम पास करने, पेट्स के साथ, कुत्तों के साथ मज़ा करने, उनको समझने के लिए, लेकिन ये यहाँ बंद था। लेकिन आप इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी देख सकते हो चाहो तो। चलो अब हम चलते हैं आगे और पहुँचते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये उसने बनाया हॉस्पिटल? नहीं, पर उसके नाम पे चीज़ है। अच्छा, वॉक करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, रनिंग स्टार्ट हो गई है। उधर से गाड़ी आएगी। ठीक है, इतने लोग जाने के लिए हैं। अच्छा, ये है वो आइसक्रीम, ये आइसक्रीम शॉप है जहाँ $1 में आइसक्रीम मिलती है, इसलिए यहाँ इतना ज्यादा रश है। लेकिन हमें यहीं से होकर आगे जाना है। बुगीज में ही अब हम यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि ये काफी लेट रात तक खुला होता है ना फिर भी। चलो तो चलते हैं अंदर। बाप रे, कैसे बोलते हैं लोग। उन यूट्यूबर को वो मिल गई है, क्या कहते हैं, अब हम आ गए हैं एरिया बुगीज। यहाँ पर बहुत अच्छी मार्केट है। अब देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ भी जा रहे होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यस, मेरा है ये। थैंक यू। भास्कर, तूने कौन सा लिया है? रखना वहाँ पर हमारे, ये वाला लिया। अच्छा, ओके। यहाँ कार्ड नहीं चलता है, डॉलर चलते हैं, वो भी कैश में। ठीक है, तूने नहीं लिया? कौन सा तेरा? अच्छा, चले अंदर। मेरी ड्रिंक ले लो ना, वाइट वाली। ये वो नहीं देता कंटेनर, कैरियर। मम्मी देख के वो डाल नहीं रहा। ये अब हम वीडियो बना सकते हैं। काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे तो ये जूस हमने खरीद लिए। अब हम चलेंगे सिंगापुर के असली करोल बाग में। अब यहाँ पर मैं कुछ बताऊँ या ना बताऊँ, आप देखते जाओ और इन्जॉय करते जाओ, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि ये वाकई करोल बाग लग रहा है या नहीं। लेकिन अभी आप पूरी वीडियो देखो और आगे इन्जॉय करो। इसको थोड़ा सा ना पी लेते हैं ऊपर से। चले, चलो ना। नीचे देख के मम्मा, गिफ्ट आइटम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर, पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हैं। क्या लेना था? फोन का कवर तो देखना था यार। अच्छा, इधर की फोटो ले लेते हैं।
थैंक यू भैरवी हमें यहाँ लाने के लिए। शॉप्स इतनी भरी पड़ी हैं सामान से, और सामान भी एक से एक यूज़ का है, जो डेली यूज़ भी आता है, किसी को देने के लिए भी ले सकते हैं। दिल कर रहा है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। चलो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या यहाँ मिल रहा है और हम क्या यहाँ से ख़रीद पाएंगे। सच में ओ यार हम कल ले आए ना, लेकिन फिर भी दो वाला देखना तू, वो मैं ना उसके लिए रखूंगी अपने बैंक वाले काम के लिए। लग रहा है कुछ यहाँ दो वाला यहाँ तो नहीं लग रहा। ये क्या कोकोनट आया है इसमें बीच में यार, कैसा कोकोनट की गिरी। दूसरा कौन सा है आपका है? स्ट्रॉबेरी बनाना। क्या है ये? स्ट्रॉबेरी बनाना। इसको पी के आपको मिनियन की तरह बात करनी पड़ेगी। हाँ बनाना ना टेस्ट आ रहा है बीच में स्ट्रॉबेरी के साथ साथ। मम्मी का है मैंगो। मैंगो एंड पेयर। ये मैं किसी को ट्राई नहीं कराने वाली। अच्छा सीड्स क्या आ रहे हैं इसमें बीच में? पेयर के। कोबा सीड। अच्छा सबके बहुत डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है। फ्रेश इसको ऐसे कैरी करते हैं और आगे चलते हैं पन्नी में। पन्नी में जो कि हमारे यहाँ बंद हो चुकी है। हमारे यहाँ के लोग यहाँ पर भी हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ मार्केट में है तो मुझे कुछ यहाँ से अपने लिए देखना है। मैं देखती हूँ नहीं प्यारा यार, यार लेती हूँ वहाँ से बैग एक दो, देखते हैं रेंज क्या है। बहुत सारे बैग्स यहाँ से लेने चाहिए। कोई वो तो नहीं है नया मैग्नेट यहाँ से? क्या ही लेंगे, हमने ले रखा चिपका हुआ है। चिपका हुआ प्रिंसेस ट्री बुरु। सिंगापुर में ये बुगीज मार्केट लेन ऐसी है कि काफ़ी देर तक बंद होती है। यहाँ पर चाहें तो यहाँ की लोकल चीज़ें भी खरीद सकते हैं और बाहर की कई ब्रांड्स की चीज़ें खरीद सकते हैं जो यहाँ पर काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल जाती हैं। ये बैग की बड़ी दुकान यार। मेरे बच्चे खो गए। मेरे बच्चे कहाँ गए? कुछ कुछ शॉपिंग होती जा रही है। ट्रैश बिन मिल गया। चलो ये टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं। और यहाँ पे ये कई कपड़ों की सिलाई है उतनी अच्छी नहीं होती। ट्रेनिंग के वक्त हमने यही से कपड़े लिए थे ना। हाँ ठीक है तुमने पैसे दिए जितने। कुछ शॉपिंग हो गई, कुछ घूम लिए, कुछ खा पी लिया। अब हम वापस आ गए इस मार्केट के बाहर और अब हम जाएंगे घर। आप देख रहे हैं कि काफी अंधेरा हो गया है, तो अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बंद तो करो।
बाय बाय, दो बार बाय बाय हो गई है। थक भी गए आज बहुत, क्योंकि काफ़ी पैदल घूमे थे, लेकिन बीच में फिर कोई ऐसी अच्छी चीज़ आ जाती है कि दिल करता है नहीं नहीं ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ अभी चलाए जा रही हूँ, और मैंने इसको एडिट नहीं किया ताकि आप भी यहाँ की ब्यूटी देख लो। तो चलो इस वीडियो के लिए ये लास्ट वाली बाय बाय। ये मेरे बच्चे दोनों थक गए हैं, घर जाएंगे, थोड़ी दूर है घर, एक स्टॉप बाद तो हम बस ले रहे हैं। इतनी दूर पैदल क्यों जाना है, यहाँ बस सर्विस बहुत अच्छी होती है, एकदम पता लग जाता है कि कितनी देर में आएगी, ऐप में आ जाता है।